हाय माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 12 विषय सामान्य हिंदी बोर्ड परीक्षा 2024-25 में पूछा जाने वाला 10 नंबर का बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक। टॉपिक का नाम है आपके पत्र लेखन। ये एक ऐसा पत्र लेखन है जो हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। यह कई बार कई टाइप से पूछा जाएगा, लेकिन आपको सभी का सलूशन एक ही करके आना है जो मैं अभी बताने वाला हूँ। प्रश्न दिया गया है, किसी बैंक के प्रबंधक को कोई एक व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए, या फिर आपसे पूछ सकता है कि अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु कि अपने बैंक प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक पत्र लिखिए, या फिर पूछ सकता है कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए ऋण प्राप्त के लिए आवेदन पत्र, या फिर पूछ सकता है कि किसी दुकान को खोलने के लिए ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र। तो मैं आज इसी के बारे में पूरा एक एक बताने वाला हूं, जो आपको 10 अंक दे कर जाएगा। ये छोटा सा वीडियो 4 या 5 मिनट के वीडियो में आपको 10 अंक मिलने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। अब देखिए आपको लिखना कैसे है। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक लाइन दी जाएगी इस प्रकार से, उसके जस्ट बगल में आपको लिखना है सबसे पहले सेवा में। सेवा में लिखने के बाद आपको वहाँ पर सिंगल कॉमा लगाना है। अब कॉमा से कुछ दूरी पर वहाँ से लिखना है आपको प्रबंधक। अब जैसे ही आप वहाँ पर प्रबंधक लिखोगे तो वहाँ पर आपको कॉमा नहीं लगाना है। उसके जस्ट नीचे लिख दोगे आप जिस बैंक से आप लेना चाहते हो, उस बैंक का नाम लिखोगे यहाँ पर। उसके नीचे जस्ट लिखोगे उसके सामने जहाँ पर उपस्थित हो उस बैंक का स्थान लिखोगे। जैसे कि यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक का उपस्थित स्थान दिया गया सिविल लाइंस, और सिविल लाइंस के बाद वहाँ पर कॉमा लगाया मैंने, क्योंकि उसके बाद एक शहर है, शहर का नाम है फैजाबाद, ये फैजाबाद में स्थित है। अब उसके नीचे जस्ट आपको क्या करना है, सबसे पहले सेवा में देख रहे हैं उसके जस्ट नीचे उसके सामने लिखना है आपको महोदय। महोदय लिखने के बाद आपको सिंगल इनवर्टेड कॉमा लगाना है। अब सिंगल इनवर्टेड कॉमा लगाने के जस्ट उसके साइड के थोड़ा सा नीचे एक लाइन, मतलब नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है सविनय निवेदन है कि वर्ष 2020 में एमडी विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कोई रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है। मुझे ज्ञात है कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार। अब देखिए जैसा कि यहाँ पर दिया गया है वर्ष का नाम 2020, तो यहाँ पर आप 2020 में हाईलाइट कर सकते हैं, यानी कि स्केच पेन से आप इसमें चेंजमेंट करके लिख सकते हैं जिससे वो दूर से ही दिखाई दे, और आपको आसानी के साथ पूरे 10 नंबर मिल सकें। अभी और बताएंगे, वीडियो के आगे भी देखते रहो बिना स्किप किए। उसके आगे लिखना है आपको बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपये, जैसे आपको लोन लेना है तो वहाँ पर लिखेंगे 50,000 रुपये तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है, अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र आदि भरवा कर मुझे भी उक्त राशि का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। अब जस्ट लिखने के बाद आपको लगाना है वहाँ पर एक सिंगल लाइन का पूर्ण विराम। उसके नीचे लिखना है उसके नीचे दिनांक, दिनांक के आगे कॉलिंग मार्क्स लगाकर आगे उसके तारीख डाल देना है जितनी तारीख हो, फिर उसके आगे उसके जस्ट सामने कृपा करें के नीचे प्रार्थी लिखना है, और प्रार्थी के नीचे अंडरलाइन लगाकर अपना नाम लिख देना है, उसके बाद अपने शहर का नाम या फिर उसके आगे आप जहाँ रहते हो वहाँ का पता भी लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोगों को ये पत्र लेखन बहुत ही ज़बरदस्त लगा होगा, जैसा कि ये कई बार एग्जाम्स में पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया है। तो दोस्तों, इस बार भी पूछा जाएगा, आपको यहाँ से 10 नंबर पूरे आसानी के साथ मिल जाएंगे। आप बोर्ड एग्जाम देने से पहले ही इसको रट लेना। तो फिर मिलेंगे ऐसे एक और हिंदी के बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू।